जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुनू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड आओ सीखे में। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने WhatsApp को कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी पूरी प्रोसेस के लिए आप हमारे पूरी वीडियो में बने रहें, देखें और सीखें और दबाएं बेल आइकन को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो है वो गूगल खुला हुआ है और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं webwhatsapp.com, इस पे आपको क्लिक करना होगा और दबाएं। क्लिक करते ही अब इस टाइप का आपका QR कोड खुलेगा। अब चले आते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम WhatsApp पे क्लिक करेंगे। WhatsApp पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा। इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये WhatsApp वेब का। इस पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद कैमरा आपका इस यहाँ से पहले आपको बोल रहा है कि लिंक अ डिवाइस, तो आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वाले पे क्लिक करना है, बेल आइकन को नए नोटिफिकेशन के लिए। और आपका जो स्क्रीन पे जो खुला हुआ था QR कोड, उसको आपको स्कैन कर लेना है। अब ये एक्टिव हो चुका है। अब हम फिर से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। मेरा जो WhatsApp है वो मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब यहाँ से हम कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भेजता है तो हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।